अणु तेल समझा रहा हूं, वैसे तो बहुत आसान है लेकिन कोशिश करना कि झट से समझ आ जाए। देखो इधर पिक्चर समझा रहा हूं पूरी। औषध ले ली, औषध नहीं औषधियां खूब सारी, उनका क्वाथ बना लिया काढ़ा। औषधियां कौन सी जो निर्देशित है अभी पढ़ेंगे अपन। बस किसी बच्चे का मैसेज नहीं हो कि सर लिंक कहाँ मिलेगा। हाँ ठीक है, नहीं अब सुनो, अब ये क्वाथ ले लिया, अब यहां से शुरू होती है कैलकुलेशन। मान लेते हैं 10 लीटर क्वाथ लिया तो तेल कितना लेना है, 1 लीटर तिल तेल और 1 लीटर लेना है बकरी का दूध अजाशीर। ये तो हो गया द्रव्य मटेरियल, ठीक है। अब विधि पे आते हैं। ये 10 लीटर क्वाथ एक बर्तन में भरा हुआ है, क्वाथ यहां पे एक बर्तन में तेल भरा हुआ है, कितना तेल, और इसको अपन ने चढ़ा रखा है गैस स्टोव, ठीक है। ड्राइंग के बारे में कोई बात नहीं करेगा, ऐसा सोचो बहुत अच्छी ड्राइंग है। कौन था भाई बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था, माधुरी दीक्षित का फैन था वो, डोगरा था कोई, हुसैन। अब ये जो है ना बर्तन, इसके अंदर क्या है, तेल है और वो गर्म हो रहा है, ठीक। अब 1 लीटर तेल में यहां से 1 लीटर क्वाथ लेंगे, वो मिला देंगे, ये इसके अंदर क्वाथ आ गया 1 लीटर, बाकी 9 लीटर उधर पड़ा, ऐसे करके और इसको पकाएंगे। पकते पकते पूरे काढ़े का पानी उड़ जाएगा, औषधियों के गुण तेल में समा जाएंगे और अब वापिस 1 लीटर हो गया तेल। ऐसे करते 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 अपन को टोटल कितने लीटर क्वाथ जला देना है, 9 लीटर क्वाथ जला, तो 9 लीटर क्वाथ जलाने के लिए 9 बार पाक हो गया, हुआ कि नहीं। अब 9 बार पाक होने पर स्थिति क्या है कि इस बर्तन के अंदर अब तेल कितना है, 1 लीटर, और इसमें तो सॉरी क्वाथ कितना है, 1 लीटर, और इस बर्तन में तेल कितना है, 1 लीटर, लेकिन यह तेल 9 लीटर क्वाथ को पचा चुका, मतलब पानी उड़ गया, मेडिसिन के गुण इसमें आ गए तेल में। जब लास्ट बार अपन बात करें तो ये बचता है 1 लीटर, ये तो 1 लीटर ही बचेगा, पर 9 बार पका हुआ और ये 1 लीटर अभी रख रखा है। अब इस पूरे को मिला देंगे, मतलब 1 लीटर तेल जो 9 बार पका हुआ है, 1 लीटर जो बचा हुआ क्वाथ, प्लस 1 लीटर अजाशीर, इन सबको मिला दिया और अब पका रहे इसको, और पकते पकते जब सारा पानी उड़ जाएगा तब जो तेल बचेगा उसको क्या कहेंगे, अणु तेल। बताओ इसमें किसी को कोई बट हो, समझ आई ना ये बात, जल्दी बोलो, ये बात समझ आ गई ना, ये इसमें कोई डाउट है। सॉरी जल्दी 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 खाना बोल लो, लैग की वजह से दिक्कत हो रही है, ये बात समझ आ गई। चलो मैं तुमको बोल रहा है ना, यहां कोई बाराती नहीं है, सबको जवाब देना। अब ये तो रही तुम्हारी औषधियां, औषध जिनका काढ़ा बनेगा। विपाचिये तो शत गुणे महेंद्र, इन औषधियों कितने गुना जल में मिलाना है, 100 गुना जल मिला के क्वाथ बनाना है।
क्वाथ की चार्ज नहीं बन रहा, स्पेशल है ये क्वाथ। 100 गुना जल का मतलब हो गया 100 लीटर लगभग, बाकी यूनिट तो अलग है ना, वो लिक्विड है वो सॉलिड है। लगभग 100 लीटर इसमें डाल दिया पानी, फिर उसके बाद में टोटल काढ़ा कितना बच गया 10 लीटर, तब अपन ने उतार लिया और बाकी सारी प्रोसेस कर दी। तेलाद 10 गुणम कषायम, क्वेश्चन है ये, अणु तेल निर्माण में तेल से कितने गुना काढ़ा लेते हैं, कषाय लेते हैं, 10 गुना। अणु तेल निर्माण में कुल कितनी बार तेल का पाक होता है, 10 करतो विपाचित, कितनी बार पाक होता है 10 बार। कशिश के फोन में कोई गड़बड़ है, क्योंकि पहले भी एक दिन जिस दिन ये प्रॉब्लम हुई थी ना लैग वाली नई अपडेट पे, तब दिक्कत हुई थी उसको। ठीक, 10वें पाक में समांशम छागलम पे, 10वीं बार जब पाक करो तब तेल और क्वाथ के सम प्रमाण में, मतलब 1:1:1 अजाशीर। ठीक, अस्य मात्रा प्रयुजितम, अब नए क्वेश्चन बनेंगे यहां से। जो क्वेश्चन अभी बन गए वो तो क्या ही लिखूं, तेल का 10 गुना क्वाथ, एक क्वेश्चन तो ये, दूसरा कुल कितनी बार पाक करते हैं अणु तेल में 10 बार, तीसरा अजाशीर संभाग लास्ट में, चौथा अणु तेल की प्रयोग मात्रा अर्धपल, तेल से अर्धपलोन्मिताम, इसकी मात्रा कितनी अर्धपल, प्रयोग काल, अबे कहां गया ये रहा, पांचवा इसको हटा रहा हूं, प्रयोग काल 1 सप्ताह, चक्रपाणि अनुसार पूछे तो 13 दिन, ठीक है, क्यों क्या कैसे वो बताऊंगा। अब दोषामकता, त्रिदोषामक और परिहार, मतलब परहेज क्या करना है इस अणु तेल के नस्य का लेते समय, वो पढ़ रहे। तो तेलस अस्य मात्रा प्रयोजितम तेलस्य अर्ध फलोन्मितान त्रयात त्रयात सप्ताह में एतत् कर्मम समाचरित, तीन तीन दिन मतलब हर तीसरे दिन। अब चक्रपाणी बोल रहा है, तुम बोल रहे हो 7 दिन यूज करना है चरक को, और अगर हर तीसरे दिन करेगा तो मान लो आज फर्स्ट डे है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करेंगे अगर इसको यूज करना, तो आज करा फिर ये स्किप हो गया, फिर ये करा ये स्किप हो गया, फिर ये करा, तो ऐसे करते करते 7 कब पूरे होंगे, अगर इसको 1 दिन माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, तो 13वें दिन 7 दिन पूरे होंगे। जिस दिन यूज नहीं करोगे उस दिन तो फिर कैसे काउंट होगा, तो 7 प्रयोग काल है इसके, और उसमें 13 दिन लगते हैं चक्रपाणि के साथ, चरक अनुसार सप्ताह आंसर है। निवात उष्ण समाचारी हितासी नियत इंद्रिय, अणु तेल प्रयोग के समय परिहार पालन क्या करना है, निवात में रहना है, और उष्ण उपचारी का मतलब गर्म पानी पीना है, ज्यादा ठंडी जगह पर ठंडी हवा में नहीं बैठना है, हितकर भोजन लेना है और इंद्रियों को वश में रखना है। तेलम एतत् त्रिदोषकम् इंद्रियाणाम बलप्रदम, ऐसी लाइन सिर्फ इसी के लिए आती है जो इंद्रियों से रिलेटेड हो, सारी इंद्रियां लगभग ऊर्ध्वांग में, और नासा शीर्षो द्वारम, अणु तेल का देंगे नस्य, जाएगा सिर में और वहां से इंद्रियों को क्या देगा बल, और त्रिदोषों को करेगा नाश। ये लाइन डायरी में लिखे वैसी है, बहुत सिंपल सीधी लाइन है, अभी इसमें सामान्य व्यक्ति को भी इसमें कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी जब आगे बहुत सारे तेल हो जाएंगे प्रशस्ति हो जाएगी आपके हाथ कांप सकते हैं, तो इसको डायरी में लिख लोगे तो हाथ नहीं कांपेंगे, क्योंकि एग्जाम के पहले दिन क्या पढ़ोगे डायरी।